नीलेश फूको, फूको नीलेश, नीलेश फूको। क्यों रो रहे हो नीलेश? हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं विद्यासागर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जा रहा हूं आज वापस कॉलेज में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे कल सबमिट करना है एग्ज़ाम का फॉर्म। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सबमिट करने होंगे कॉलेज में। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। पता नहीं कब लेगा एग्ज़ाम। 2 साल के बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग। पहला एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, जहाँ सेंटर दिया था लखीसराय। इस बार सेंटर पता नहीं कहाँ देगा। तो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए फॉर्म कल जाकर सबमिट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज नीलेश का बर्थडे है, तो नीलेश हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम मिलेंगे नीलेश से, तो देखते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और हम लोग सब साथ में, मतलब मैं और नीलेश साथ में जाएंगे। वो 0 माइल आ रहा है और मैं भी घर से जाऊँगा, 0 माइल जाऊँगा, वहाँ से बस पकड़ के वापस चले जाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए कैसे क्या। तो अभी हम आ चुके हैं 0 माइल और अभी आपको मिलाते हैं अपने दोस्त से जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। देखिए पीछे में खड़ा है, देखिए लड़का है, ये इंतज़ार कर रहा है मेरा। इसको पता भी नहीं कि हम आ चुके हैं। हेलो ब्रो, हैप्पी बर्थडे। तो कैसे हो भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब सामान किसका है? तुम्हारा ही है। चलो फिर गाड़ी पकड़ते हैं और क्या, हम लोग का बस उस तरफ मिलेगा। देखो वो जा रही है, चलो चलते हैं, आओ उठाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और हम बस में मिलते हैं फिर। तो हम बस में बैठ चुके हैं और चंडीपुर रवाना होंगे। और आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट बस में है। फतवा पहुंचने वाले हैं, फतवा से वहाँ 1 घंटा लगता है जाने में। तो बस जा रहे हैं, सफ़र कट रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए जाम लग गया है। तो अभी ट्रेन के वजह से जो है फाटक, जो है रेलवे फाटक, वो क्लोज हो चुका है, जिसको से जाम लग गया है। और जब हम दनियामा में रेलवे क्रॉसिंग करके ही जाया जाता है चंडी, तो अभी ये पता नहीं कितना देर लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग चूड़ा का नाश्ता कर रहे हैं। नीलेश लाया था, भूख लग गया जोर से, बोले भूख लग गया, तो बोला कि मेरे पास नाश्ता है। तो नाश्ता करते हैं, फिर देखते क्या होता है। आटा कब खुलती है, कब हम लोग जाम से छूटते हैं। और ट्रेन जो है चल पड़ी है, इंडियन रेलवे। सर बढ़ जा, पीछे पीछे बढ़ जा। आपका रेलवे क्रॉसिंग। आप आएंगे तो बात करेंगे ना आपसे। जयतीपुर मोड़ आने वाला है और फिलहाल चंडी पहुँचने वाले हैं। कब उतरेंगे कुछ देर में, तो तब तक सामान वान सब पैक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो चलिए उतरते हैं। उतरने के बाद था और सब सामान ले लिया ना नीलेश, कुछ छूटा तो नहीं ना? तो ये बस अब बाय बाय कहेंगे। थोड़ा सा बीच उतर गए और इसी थोड़ा सा उधर जाना होगा हम लोगों को। तो फाइनली उतर गए और अब रूम पर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रूम पर, फिर मिलते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो लाइट कटा हुआ रहता है। और फिर से इस बार लाइन यहाँ कटा हुआ है। अब देखिए लाइट कब आता है। तो चलिए चलते हैं छत पे और देखते हैं ऊपर में, ऊपर का नज़ारा कैसा है, यहाँ क्या चेंज हुआ है। तो अभी तो लाइट नहीं है, तो चलिए चलते हैं छत पर और प्लान बनाते हैं कि आज का जो पार्टी है किस तरह से हम लोग करेंगे। अंधेरा ही अंधेरा, शाम हो चुका है यहाँ पर। देखिए चलिए छत पर चलकर देखते हैं कैसा सीन है, क्या बदलाव आया है। कहाँ गया जी हो बर्थडे बॉय? तो नीलेश माय डियर फ्रेंड, बताओ क्या किया जाए आज? आप लोग जो कहेंगे वही करेंगे। हाउ वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट द बर्थडे? फर्स्टली हम लोग केक काट करेंगे, तो केक कट करने के लिए मार्केट जाना होगा, केक लाना होगा, उसके बाद कुछ खाना वाना होना चाहिए, है ना। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चंडी का फील्ड है, इसमें क्रिकेट वगैरह होता रहता है। तो शाम हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं चंडी एकदम अंधेरा होने से पहले, और अभी जाएंगे मार्केट और केक वेक लाएंगे। फ़िलहाल यहाँ तो लाइट कटी हुई है, तो लाइट का वेट कर रहे हैं। और काफ़ी थका देने वाला सफ़र रहा, बहुत जाम मिला, बीच में फंस गए थे हम लोग दनियामा में, वहाँ पे अक्सर जाम पकड़ लेता है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हम लोग नीलेश का किस तरह से छोटा सा पार्टी हम लोगों ने अरेंज किया है, तो किस तरह से मनाते हैं आप देखिएगा। आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे केक हैं, वैरायटी है, वैरायटी टाइप ऑफ केक बहुत सही है, तो इनमें से एक लेंगे हम लोग अभी। और ये इसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, द बर्थडे बॉय पूरा खुश होना भी चाहिए। मेनू लिस्ट, तो हम लोगों ने अभी चिकन और ये पराठा ऑर्डर किया है, तो भी खाया जाएगा। ये पता नहीं ऑर्डर लेने वाले कहाँ चले गए भाई साहब। फुको पूरा पूरा फुको फुको फुको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीलेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। फुको नीलेश, फुको फुको नीलेश, नीलेश फुको। नीलेश केक काटते हैं। अरे 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 इका कर दिया रे, ये तो होली खिला रही है। ओह, और एक ये देखिए, हाँ हाँ ये अच्छा रहेगा। और ये देखिए ये रूम पार्टनर एक दूसरे को खिलाते हुए, ओह हो क्या बात है तो भाई गजब, बहुत खूब। और ये देखिए एकदम होली की तरह गुलाल लगाते हुए केक से, हाँ नहीं तो केके से होली खेलिया लोग, हाँ न होलिया में क्या करवा सब। तो अब तो केक जो है वो कट चुका है और अब खाना खाने की बारी है, तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। और अभी देखिए एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और होली खिलाया जा रहा है। ये सचिन है एनसी चंडी से, हम लोग के साथ रहता है, हम लोग जूनियर में, और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और अभी हम लोग केक जो है कट कर चुके हैं और अब खाना खाएंगे। मज़ा आ रहा है ना जी? सरवाना ले सास तुम्हारा बर्थडे है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ खाना सर्व हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ नीलेश, खाओ और बताओ टेस्ट कैसा है। सबसे पहले नीलेश, बर्थडे बॉय प्लीज़ प्रोसीड। और हमें खा कर बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लगा और आप कितना रेटिंग करना चाहेंगे। और नीलेश ने पहला निवाला लेते हुए आराम से निवाला, हाँ निवाला ही बोलते ना। तो कैसा टेस्ट लग रहा है? ओके, तो चलिए सब कोई शुरू हो जाइए, कम हो लेट्स गो टूट पड़ो। तो थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। क्यों रो रहे हो नीलेश? अरे हद से ज़्यादा हो गया का रे? हम लोग पे कर दे का? तो रोका रहा है, तीखा है। अच्छा तीखा है, ओ तीखा है इसलिए रो रहा है। देखिए तीखा है तो रो रहा है। तो रो ही ना, बोल रहा है कि रो रहा है। तो नीलेश, खाने में कैसा टेस्ट लगा? बहुत अच्छा। ओ इतना अच्छा लगा कि तुमने सारा प्लेट को भी चाट गया ना। ये देखिए इसको पार्टनर चाट गया। अच्छा उसका पार्टनर चाट गया। देखिए खाना इतना अच्छा लगा कि उसका छीन कर प्लेट वो खा गया। और यहाँ पे लौंडा खा गया खा के। तो भैया पार्टी हो चुकी है ख़त्म, दांत में फंस गया एकदम। वो अब जा रहे हैं घर और रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, लंबा सफ़र करके आए हैं। और अरे ये सब क्या पी रहा है यार, सब क्या पी रहा है यार? हाँ पियेंगे यार। कहाँ बटा रहा है? अरे चलो कहाँ बटा रहा है? ये है क्या यार, क्या है ये? है क्या? अमूल कूल है। अमूल कूल, अच्छा ये देखिए लोग अमूल कूल क्या कूल कूल, अच्छा अमूल कूल पी रहा है। कूल कूल मतलब ठंडा में कूल कूल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब घर, काफ़ी रात हो चुकी है और समय भी काफ़ी हो गया और थक चुके हैं सफ़र करके लंबा। हाँ सोम शंकर पूछ रहा है कि आप इसे पीना पसंद करेंगे अमूल कूल को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और कल जाएंगे कॉलेज, आज नीलेश का बर्थडे था तो इसलिए यहाँ आए थे। यहाँ तो लाइट में नहीं आ रहा। तो नीलेश कहाँ गया? नीलेश मज़ा आया ना नीलेश? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और थैंक्स टू नीलेश कि तुम यहाँ आए, बर्थडे में शामिल हुए अपना। अपने बर्थडे में शामिल करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा था, शानदार पार्टी के लिए। हाँ शानदार पार्टी के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नए उमंगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।